तो है गाइस, अभी भी मैं अपने घर के बाहर गया था और घर के बाहर जाने के बाद गांव में तिरंगा जो है बांट रहे थे सबको, सबको दे रहे थे अपने अपने घर पे लगाने के लिए। तो मैं भी एक लेके आया हूँ और इसे लगाने जा रहा हूँ अपने छत पे। सब लोग अभी नहीं लगाए हैं लेकिन मैं सबसे पहले शायद जा रहा हूँ लगाने, क्योंकि देख सकते हो मेरे आसपास अभी कहीं लगा हुआ नहीं, अभी सबको बांट ही रहे थे। मैं फटाक से इसको लेके आया अपने छत पर लगाने के लिए। तो चलिए अभी इसके लिए कुछ ढूंढते, डंडा वंडा देखते हैं, मिलेगा तो इसको लगाएंगे। अभी एक शिवानी झंडा यहाँ पर लगा हुआ है पीछे, ऐसे ही इसको भी यहाँ पर साइड में लगाएंगे कॉर्नर पर। तो देखते हैं, चलो कुछ ढूंढते हैं इसको लगाने के लिए, बने रहिए वीडियो के साथ। और गाइस, झंडा तो मुझे मिल चुका है और डंडा भी मिल चुका है, दोनों मिल चुका है, लगा भी चुका हूँ इसमें। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये देख सकते हो बहुत ही ढीला है, तो हवा चलेगा तो ऐसे ऊपर निकल जाएगा, तो इसका भी कुछ समाधान करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो धागा जो है ना, ये पिछले वाले तिरंगे का है और उसी डंडे में दोबारा इसको लगाने जा रहा हूँ। तो उसी तरह से कुछ इसको भी जुगाड़ करके सुई धागा से मैं मतलब थोड़ा मजबूत कर देता हूँ, सिल के टाइट कर देता हूँ, ताकि हवा से निकले ना और हमारा तिरंगा लहराता रहे। और गाइस, मुझे ना इसमें सुई में धागा डाला नहीं जा रहा है। तो फाइनली गाइस, काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं सुई में धागा डाल चुका हूँ, देख सकते हो। अरे अभी तो निकल जाएगा। सो गाइस, मैं इसको सिल चुका हूँ, अभी निकलेगा नहीं, अब इसको लगा देता हूँ ऊपर। सो गाइस, फाइनली अपना झंडा लग चुका है, अब बारी उसे देखने की। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है। गाइस, हवा नहीं चल रही है इसलिए भी ये नहीं लहरा रहा है, नहीं तो हवा चलेगी तो लहराएगा तो काफ़ी अच्छा दिखेगा।